दिव्य प्रकाश, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे कोई एक एथलीट है, उसने अपनी साइकिल ऑफ करी है, देन उसने अपना ब्लड वर्क किया और उसके किडनी फंक्शन में को अपना EGFR लेवल उसका कम हुआ है, तो क्या उसे PCT करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? तो जैसे मैंने अभी लास्ट में डिस्कस किया, लास्ट टॉपिक में, कि जो एंड्रोजेंस होते हैं, एंड्रोजेनिक हॉर्मोन्स होते हैं, वो किडनी इसके लिए अच्छे नहीं होते। जैसे जिस केस में हमने ये देखा था कि जब फीमेल्स की ओवरीज रिमूव की गई तो ईस्ट्रोजन का लेवल गिर गया, ठीक है, तो वहाँ पे किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो गई। लेकिन जब मेल्स में टेस्टिस रिमूव की गई जिसमें टेस्टोस्टेरोन बनता है, उसको हटा दिया गया, मतलब टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हुआ, तो उसकी किडनी फंक्शन अच्छी हो गई। मतलब इससे ये साफ क्लियर होता है कि जो भी एंड्रोजेनिक स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स हैं, चाहे वो टेस्टोस्टेरोन हो या कोई भी हॉर्मोन हो, वो किडनी फंक्शन के लिए अच्छा तो नहीं है। तो अगर बाय द वे अगर आप साइकिल को ऑफ जाते हो और आप अपना EGFR वगैरह सब चेक करते हो और उसमें हम देखते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करते हो, तो अब देखते हैं कि उसमें EGFR नीचे है, सिस्टैटिन सी हाई है, क्रिएटिनिन हाई है, या प्रोबेबली आपका किडनी का जो हाइपरट्रोफी है, किडनी में जो साइज है वो भी इंक्रीज हो चुका है, तो उस टाइम पे बेटर होगा कि आप PCT ना करो। थोड़े प्रॉब्लम्स होंगे, आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन नीचे जाएगा, आपका मसल नीचे जाएगा, बट उस टाइम पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने किडनी फंक्शन को रिवर्स करो, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि एंड्रोजेंस इटसेल्फ जो है वो किडनी फंक्शन के लिए अच्छे नहीं है। तो अगर आप PCT करते हो तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन वापस आएगा, तो मान लो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन 100 पे जा चुका था, प्रॉपर आप PCT करो तो 400, 500, 600 पे आ जाएगा, तो आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, वो 4 गुना 5 गुना बढ़ गया प्रॉपर PCT के बाद, तो फिर वो किडनीज के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, उतना अमाउंट भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि जैसे ये जो मैंने केस स्टडीज बता रहा हूँ, ये बॉडी बिल्डर्स का केस नहीं बता रहा हूँ कि टेस्टिस रिमूव किए गए, तो यहाँ पे वो स्टेरॉइड बंदा नहीं ले रहा था, वो जिस बंदे के टेस्टिस रिमूव किए गए वो बंदा स्टेरॉइड नहीं ले रहा था। तो जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे अराइज हो सकते हैं कि यार नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन बन रहा है बॉडी में वो तो बहुत हाई नहीं है, तो जो हम बाहर से दे रहे थे वो बहुत हाई था ना, लेकिन बॉडी में जो बन रहा है वो तो बहुत हाई नहीं है। तो जब वो बहुत हाई नहीं है तो नॉर्मली तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन जो बॉडी खुद बना रही है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे हमें क्लियर हो रहा है ना, जो उस जनरल पॉपुलेशन के बंदे के हमने जब टेस्टिस को निकाला, उसका जो उसका भी टेस्टोस्टेरोन कितना बन रहा होगा, 600, 700, 800। अब उसका जब टेस्टोस्टेरोन निकाल दिया तो वो 0 पे आ गया लगभग, ठीक है, तो उसका किडनी फंक्शन ऊपर गया ना, यानी कि जो जनरल फिजियोलॉजिक लेवल्स भी हैं, जो नेचुरल लेवल्स भी हैं टेस्टोस्टेरोन के, वो भी आपको आपकी किडनी को बहुत थोड़ा 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 करके डिटोरिएट करते ही करते हैं। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि हमें अगर आपका GFR बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है, और मतलब वो तो ब्लड रिपोर्ट्स एनालाइज ही करना पड़ेगा, फिर ही डिसाइड करना पड़ेगा कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो बेटर होगा कि आप कुछ टाइम के लिए PCT अवॉइड कर दो, ताकि उस टाइम पे आपका जो नेचुरल हार्मोन है आप बाहर से देना बंद कर दिए, क्योंकि आप साइकिल से ऑफ जा चुके हो, क्योंकि आप साइकिल ले रहे थे तो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन काफ़ी नीचे जा चुका है, तो उसको आप काफ़ी नीचे ही रहने दो कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको किडनी फंक्शन को रिवर्स करने में आसानी हो। तो एक चीज़ और पूछनी थी मुझे डॉक्टर दिव्य प्रकाश से, कि जैसे अगर EGFR लेवल लो है किसी के, तो उसमें क्या वर्कआउट या डाइट में क्या क्या चेंज कर सकते हैं? अच्छा, मेनली फिर यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि आपके EGFR कितने नीचे गए हैं, आपके सिस्टैटिन सी का लेवल क्या है, क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, अल्ट्रासाउंड में किडनी फंक्शन किडनी का जो साइज़ है वो कैसा है। तो डिपेंडिंग कि आपकी किडनी में कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई है, उसका जो फंक्शन है वो कितना ज़्यादा डिटोरिएट हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसी केस स्टडी जो हमें डिस्कस कर रहे हैं, उसी केस स्टडी को उठा लें, तो हम यहाँ पे EGFR देखते हैं कि आधी हो चुकी है, ठीक है, और क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है, जो कि 1.1 तक होना चाहिए मैक्स, वो 1.6 है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सनल डिसीजन भी हो सकता है। अब जैसे इस केस में भी हम क्या कर सकते थे कि मतलब मैं हॉर्मोन्स ऑफ करा दूँ, जैसे आप साइकिल कर रहा है ये बंदा, तो उसका मैं साइकिल बंद करा दूँ और इसका नॉर्मल वर्कआउट और डाइट चलने दूँ, नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को रिकवर करा दूँ PCT करा के, तो ये भी चीज़ की जा सकती थी। लेकिन बेस्ट सिनारियो क्या हो सकता है, जैसे आपके किडनी फंक्शन में ठीक ठाक डैमेज हो गया है, तो बेस्ट सिनारियो ये हो सकता है कि जैसे मैंने अभी बताया कि ब्लड प्रेशर सबसे बड़ा इशू है किडनी फंक्शन के डिटोरिएशन में, तो जैसे आप जो हैवी लिफ्टिंग करते हो, जैसे मान लेते हैं कि आपने 200 kg की स्क्वैच करी या डेडलिफ्ट किया, 8-10 रेप्स के लिए किया, तो उस दौरान आपका ब्लड प्रेशर 250, 300, 400 तक भी जाता है, इतना हाई जाता है, तो और ये हर रेप में जाएगा, बार बार जाएगा, तो ये ब्लड प्रेशर जो मान लेते हैं कि आप साइकिल ले रहे थे तो आपका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर था, जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, रेस्ट पे हो, तो आपका ब्लड प्रेशर 150, 160, 170 तक था, 180 तक, तो उस पर किडनी फंक्शन इतना डिटोरिएट हुआ है।
लेकिन अगर आप रेगुलर हैवी लिफ्टिंग करो तो बार बार आपका जो एपिसोडिक राइज है ब्लड प्रेशर में वो 300-400 तक है। तो वो जो एपिसोडिक राइज भी 300-400 तक जा रहा है वो भी तो किडनी फंक्शन को डिटोरिएट करेगा ना, तो उस ब्लड प्रेशर को राइज को भी हम रोक सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि वर्कआउट की या तो इंटेंसिटी गिरा दें या फिर हमें बहुत फास्टर रिकवरी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बंदा ये प्रायोरिटाइज़ करता है कि मैं अपनी एक बार हेल्थ पूरी तरीके से सुधार लूँ उसके बाद कम बैक करूँ, तो उस केस में जो बेस्ट सिनारियो होगा आप ये करो कि आप वेट लिफ्टिंग कुछ टाइम, डिपेंड्स कि आपका कितना, फिर से वहाँ पे केस आएगा जैसे इस केस में भी है कि आधी हो चुकी है जेफर, तो यहाँ पे भी वही केस आएगा कि आपके डिसीजन है वो कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो और कितनी जल्दी हेल्दी होना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे इस केस में भी हमने क्या किया कि हमने मैंने क्या किया कि वर्कआउट मैंने बोला कि कुछ महीनों के लिए आप वर्कआउट बिल्कुल ही मत करो, तो इससे क्या होगा, और मैंने इनको ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस पे भी डाला, तो इससे क्या हुआ कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा और जब वर्कआउट भी नहीं हुआ तो एपिसोडिक जो राइज आता है 200-300-400 तक जो ब्लड प्रेशर हिट करता है वो भी नहीं गया, तो किडनी को बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया रिलैक्स रहने के लिए और रिकवर करने के लिए। तो वर्कआउट में तो डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, आपकी किडनी फंक्शन कितनी डिटोरिएट हुई है। जैसे मान लो कि एक केस ये ले लेते हैं कि जैसे मान लो इस केस में तो किडनी फंक्शन जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट था, फिल्ट्रेशन रेट थी किडनी की, वो हाफ हुई है, लेकिन किसी केस में मान लो कि वो फिल्ट्रेशन रेट 9500 होनी चाहिए वो 20 है, तो उस केस में तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा कि आप वेट्स को छुओ ही ना, इवन बाइसेप कर्ल्स भी मत करो, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे उसमें बाइसेप कर्ल्स में क्या है कि जैसे मान लो मैं डंबल लूँगा हाथ में और मैं अपने पूरे वेसल्स को ऐसे कंस्ट्रिक्ट करूँगा, अब मैं कभी भी एक्सरसाइज ऐसे तो कर नहीं सकता, ऐसे मेरा हाथ एकदम है यहाँ पे, जो हाथ एकदम आराम से है वो टाइटनेस तो आएगी। अब जैसे ये टाइटनेस आएगी तो ये वेसल्स में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो वेसल्स हैं वो पतली होती हैं और फिर जो ब्लड है बहुत तेज़ी से भागता है, ब्लड प्रेशर शूट करता है। तो अगर किसी का किडनी फंक्शन लाइक 20 हो चुका है, GFR 20 हो चुका है, तो उस केस में तो मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन होगा कि आप इमीडिएटली वर्कआउट बंद करो, तब तक बंद करो जब तक ये 60-70 तक नहीं चला जाए, ठीक है। तो ये बेस्ट सजेशन होगा, तो इसीलिए आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि आपका वर्कआउट में ब्लड प्रेशर शूट करेगा, शूट करेगा तो किडनी के लिए अच्छा नहीं होगा, और किडनी के लिए अच्छा नहीं होगा तो अब आपका डिसीजन है कि आप कितना रिस्क कवर करना चाहते हो, कितने हेल्दी होना चाहते हो, वो आपका डिसीजन है। और यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है ध्यान रखने वाली कि कुछ लोगों का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, उनकी जेनेटिक्स उनके फेवर में नहीं होते हैं, तो उनका जो डिटोरिएशन है किडनी फंक्शन का वो और तेज़ी से हो सकता है। तो जैसे जो इनहेंस बॉडी बिल्डर होते हैं तो उन्हें रोज बीपी चेक करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए रोज़ अपना बीपी मेजर करना चाहिए उनको? बिल्कुल ब्लड मतलब अगर आप ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस पे भी हो ना, और जैसे मान लिया कि मैंने ब्लड प्रेशर आपका ब्लड किसी का ब्लड प्रेशर है 140 है, ठीक है, मैंने उनको ब्लड प्रेशर का मेडिकेशन दे दिया या कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ऐड कर दिया या डाइटरी चेंजेस कर दी और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मली आ गया 120-115 पे बाई 80 पे, ठीक है, अब वहाँ से वो निश्चिंत हो गए कि हाँ मेरा तो नॉर्मल है, 2-4 दिन 1 हफ्ते तक नॉर्मल आता रहा, बट मेरे को लॉन्ग टर्म में भी चेक करना पड़ेगा कि क्या अब वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि आपकी साइकिल की डोजेजेस चेंज हो रही हैं, ठीक है, कंपाउंड चेंज हो रहा है एंड बहुत ज़्यादा एंडोजेनिक कंपाउंड्स आ सकते हैं जा सकते हैं, तो आपके ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशंस को मेजर करते रहना पड़ेगा ताकि उस टाइम पे अगर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है तो किया जा सके। तो ऑब्वियसली इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसको EGFR लेवल्स को जल्दी रिकवर करने के लिए डाइट में हम क्या वो कर सकते हैं चेंजेस? फिर वहीं आएगी बात कि आपकी किडनी जो फंक्शन है GFR, क्रिएटिनिन, सिस्टैटिन सी, आपका अल्ट्रासाउंड, ये क्या शो कर रहा है। तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे यही जो केस स्टडी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मैंने दो सजेशंस दिए थे, या तो आप प्रोटीन इनटेक जो है वो नॉर्मल रखो 1 ग्राम 1.5 ग्राम पर केजी, और दूसरी सजेशन ये दी थी कि आप प्रोटीन कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हो, ठीक है। प्रोटीन कम्प्लीटली ऑफ करोगे आप तो देखो होगा क्या कि आपका किडनी का फंक्शन नीचे जा चुका है, तो आपकी किडनी आधी यहाँ पे इस केस में आधी पे आ चुकी है। तो जब प्रोटीन भी जैसे कुछ बाहर के बॉडी बिल्डर्स हैं या इंडिया में भी ऐसा होता है कि 450 ग्राम प्रोटीन भी देते हैं, जो कि ऑब्वियसली बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, बट अब बहुत हाई प्रोटीन पे जब हो 300 ग्राम 350 ग्राम प्लस पे जब आप हो या 250-300 पे भी हो तो उसका यूरेमिक टॉक्सिन्स तो बन ही रहा है ना, ठीक है, जो प्रोटीन का भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी तो किडनी को क्लियर ही करना है।
तो जैसे आपका किडनी फंक्शन ऑलरेडी नीचे है, GFR आपका नीचे है, फिल्ट्रेशन रेट जो है किडनी की कम है, और आप वहाँ पे हाई प्रोटीन दे रहे हो, तो उसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी तो किडनी को क्लियर ही करना है, तो किडनी पे फिल्ट्रेशन की डिमांड तो और बढ़ेगी ना। आपको क्या करना है कि आपने किडनी के फिल्ट्रेशन की जो डिमांड है उसको कम करना है, लेकिन आप प्रोटीन दे के भी उससे जो प्रोटीन का जो वेस्ट आ रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट आ रहा है, उससे भी आप किडनी पे उसकी जो डिमांड्स को बढ़ा ही रहे हो। तो इस केस में मैंने क्या सजेस्ट किया था, जो सेकेंड सजेशन थी जो कि बाद में फॉलो भी की गई, कि प्रोटीन को बिल्कुल कट किया गया ताकि प्रोटीन से आने वाला नाइट्रोजनस वेस्ट ना के बराबर हो, और फिर किडनी पे फिर से फिल्ट्रेशन की जो डिमांड्स हैं वो फिर से कम हो जाएं। तो ये डाइटरी चेंजेस किए जा सकते हैं, आप प्रोटीन कम कर सकते हो, प्रोटीन या तो बंद भी कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आपका फिल्ट्रेशन रेट कहाँ पे है और आप कितना रिस्क कवर करना चाहते हो। तो अब एज एन एडवाइज़र मेरा तो यही काम होता है कि मैं सजेशन दूँ कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये करोगे तो इतना इतना डैमेज का चांस है, ये करोगे तो बेस्ट होगा। जैसे मैंने बोला कि प्रोटीन बंद कर दोगे आप तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्कुल आना बंद हो जाएंगे, तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट को क्लियर करने का जो लोड है वो किडनी से कम हो जाएगा, तो वो रिवर्स करने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो इस बीच में हम जैसे कोई सप्लीमेंट्स वगैरह ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या कैफीन वगैरह क्या रोल होता है ये? सप्लीमेंट्स देखिए, कुछ तो सप्लीमेंट्स ऐसे होंगे हेल्थ सप्लीमेंट्स जो कि आपके किडनी फंक्शन को हेल्प करेंगे। जैसे मैंने बताया कि दो मेन मेजर इश्यूज़ हैं जिसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, पहला तो ब्लड प्रेशर था और दूसरा था ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेशन बहुत बढ़ रही है यानी कि आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत है जो किडनी पे स्पेशली काम करेंगी, और तीसरा था आपका एंड्रोजेनिसिटी मतलब हार्मोन्स। तो हार्मोन्स का तो अगर आप ऑफ जा रहे हो तो फिर तो हार्मोन्स का लोड कम ही हो रहा है, ठीक है, तो हार्मोन्स का तो मोस्टली क्या कर सकते हो, यही कर सकते हो ना, जो आप साइकिल ले रहे थे वो बंद कर दो, तो एंड्रोजेनिसिटी का जो इंटेंसिटी वो गिर जाएगा। लेकिन जो दो मेजर मेट्रिक्स हैं जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो वो है ब्लड प्रेशर और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए स्पेशली किडनी के लिए कुछ सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, जैसे एस्ट्रागलस है, विटामिन सी है, NAC है, और भी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं लाइकोपिन वगैरह, एंटीऑक्सीडेंट एज अ होल काम करेंगे। तो जो स्कारिंग होती है किडनी की, जो DNA डैमेज के वजह से स्कार हो जाता है, स्क्लेरोसिस हो जाती है, ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस, उसकी इंटेंसिटी को आप कम कर सकते हो। और कुछ सप्लीमेंट्स जो ब्लड प्रेशर में हेल्प कर सकते हैं, देखो ब्लड प्रेशर में तो मोस्टली जो सप्लीमेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को चेक में रखने के लिए, वो वेसोडाइलेटर्स होते हैं। जैसे प्री वर्कआउट में भी सिट्रुलिन मैलेट वगैरह यूज़ किया जाता है ना, तो सिट्रुलिन मैलेट वेसोडाइलेटर है, वो आपके ब्लड वेसल्स को बड़ा करता है, एक्सपैंड करता है। तो जब उसी एक्सपैंडेड वेसल्स में जब ब्लड फ्लो करेगा तो आराम से फ्लो करेगा, प्रेशर नीचे जाएगा, ठीक है। तो और उसके अपोजिट कुछ प्री वर्कआउट्स होते हैं या हाई डोज कैफीन होता है, वो आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन स्ट्रेंथ में तो बहुत हेल्प करता है, जब तक आपके वेसल्स कंस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे ब्लड उसमें तेज़ी से भागेगा नहीं, आपका स्ट्रेंथ नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ जैसे वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं, कैफीन वगैरह, हाई डोज कैफीन है, ये हाई स्टिमुलेंट वाले प्री वर्कआउट्स हैं, ये सब आप ना लो क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करेगा, जो कि आपके किडनी को जाके फिर से इफेक्ट करेगा ही करेगा। तो ये प्री वर्कआउट्स अवॉइड कर सकते हैं, हाई डोज कैफीन अवॉइड कर सकते हैं, और भी चीज़ें जो आपके ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है वो अवॉइड कर सकते हैं। और ब्लड प्रेशर कम करने में सिट्रुलिन वगैरह हेल्प कर सकता है, आर्जिनिन हेल्प कर सकता है, जो भी आपके वेसो डायलेटर्स हैं वो हेल्प कर सकते हैं। यही कुछ सप्लीमेंट्स होंगे। मैग्नीशियम आपके ब्लड प्रेशर को चेक में रखने में इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास होने चाहिए अच्छे अमाउंट में, यही से कुछ चीज़ें हैं। तो ये जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं, और कुछ बॉडी बिल्डर से जो नहीं करवाते, लेकिन ब्लड टेस्ट कराना तो बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए, क्योंकि कुछ बॉडी बिल्डर बिल्कुल नहीं कराते, वो सोचते हैं कि हम बाहर से हेल्दी दिख रहे हैं तो हम अंदर से भी हेल्दी होंगे, तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए? मोस्टली इंडिया में क्या होता है कि बॉडी बिल्डिंग कम्युनिटी में कैसा है कि जब तक मुझे कोई सिम्टम नहीं आ रहा, जब तक मुझे कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं हो रही, कुछ बॉडी में कुछ अलग नहीं हो रहा, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यूरिन में झाग आने लगा जो कि किडनी फंक्शन में डिस्टर्बेंस का शो करता है, तो तब तक ब्लड टेस्ट नहीं करते, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो वो है कि आपका कोई सिम्टम नहीं आ रहा तब तक आप टेस्ट ही नहीं कर रहे, जो कि गलत है। इंडिया में अवेयरनेस और एजुकेशन बहुत कम है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली टेस्ट कराने क्या हैं। जैसे मैंने बताया कि वो लोग नॉर्मल KFT करते हैं, जिसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन चेक करते हैं और क्रिएटिनिन चेक करते हैं,
इसके अलावा कुछ चेक नहीं करते। तो ये भी जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या क्या टेस्ट करना है। जैसे EGFR है, EGFR भी बहुत लोग करते हैं, सिस्टैटिन सी है बॉडी बिल्डर्स के लिए, जिसका भी मसल मास बहुत ज़्यादा है उसके सिस्टैटिन सी चेक करना ही चाहिए, क्योंकि क्रिएटिनिन उतना अच्छा मेट्रिक नहीं है एक बंदे के लिए जिसका मसल मास बहुत हाई हो, उसको सिस्टैटिन सी चेक करना चाहिए, जैसे हमने इसके स्टडी में भी चेक किया है। और उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी चेक करना चाहिए, और इसके बाद भी इन सारे रिपोर्ट्स का एनालिसिस के बाद भी अगर लगता है कि हमें और टेस्ट करने चाहिए तो इसके ऊपर भी कुछ एडवांस टेस्ट होती हैं, जैसे SDMA है, सिमेट्रिक डाइमिथाइल आर्जिनिन वगैरह, और भी बहुत से टेस्ट हैं जो किए जा सकते हैं किडनी फंक्शन को अच्छे से एनालाइज करने के लिए। तो सबसे पहले तो दूसरे नंबर पे तो एजुकेशन ज़रूरी है कि आपको टेस्ट करना क्या क्या है, नॉर्मल KFT से नहीं होगा। और बॉडी बिल्डिंग में इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ तो बॉडी डिसमॉर्फिया भी होती है। जैसे एक फॉरेन में बॉडी बिल्डर था, उसका नाम मुझे नहीं ध्यान आ रहा, जैसे फ्लेक्स व्हीलर थे, फ्लेक्स व्हीलर ने भी अपनी किडनी वो एक ट्रांसप्लांट कराई थी, ठीक है, उसके बाद भी बॉडी बिल्डिंग की थी उन्होंने ट्रांसप्लांट के बाद भी। तो कुछ लोगों को तो उनको जो रेयर डिजीज़ था ना वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ थी, वो किडनी वाली डिजीज़ नहीं थी, किडनी तो उनका ट्रांसप्लांट हुआ ही था, बट उनको जो रेयर डिजीज़ थी वो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ थी। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ मतलब ये कि जो आपका पेरिफेरी है, जैसे एल्बो के नीचे, घुटने के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती है ना, उसमें प्लाक बहुत ज़्यादा जम जाता है, ठीक है, जैसे हार्ट के वॉल जो वेसल्स हैं उसमें प्लाक जम जाता है ज़्यादा, उसी तरह बाकी के जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी प्लाक जमता है। तो उनको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ थी, तो जो पेरिफेरी है, जो बॉडी का जो मतलब एंड हिस्सा है, जैसे घुटने के नीचे, एल्बो के नीचे, तो इन एरियाज़ में उनको आर्टरी, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ थी जिसमें प्लाक हो गया था। तो आपने देखा भी होगा कि उनका एक लेग रिमूव किया गया है, वो इसीलिए रिमूव किया गया है क्योंकि उनकी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ इतनी ज़्यादा एग्जैगरेट हो गई थी कि वो पूरा लेग को एम्पूटेट करना पड़ा, पेरिफेरी पे है ना, घुटने के नीचे, तो वो रिमूव करना पड़ा था, वो अलग चीज़ थी उनकी जो रेयर थी वो। लेकिन उन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया था, ट्रांसप्लांट के बाद भी उन्होंने बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू की थी। लेकिन एक और बॉडी बिल्डर है, उनके कोच वो थे गुरु अमीन करके, उनका एक बॉडी बिल्डर था, मैं नाम भूल गया, उन्होंने क्या किया था कि उनका पहला जो किडनी ख़राब हुआ तो उन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखी, अपना मसल मास उतना ही रखा, और उसके बाद उन्होंने उसके बाद बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू रखी तो वो दूसरी जो किडनी उन्होंने ट्रांसप्लांट करा के लगाई थी वो भी ख़राब हो गई, और फिर उस किडनी की उन्होंने उस किडनी को डायलिसिस पे रखा, और डायलिसिस के बाद भी वो बॉडी बिल्डिंग कंटिन्यू करते रहे। अब उसके आगे उनका क्या हुआ अब मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट ये केस था एक जो होता है, ये पुरानी बात है, ये 2000s या 1990s की बात होगी, ये पुरानी बात है। तो ये एक बॉडी डिसमॉर्फिया का इशू होता है और इग्नोरेंस का इशू होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन की कमी, इन्हांस्ड कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी बहुत ज़्यादा है। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है, जैसे किसी को बीपी की जेनेटिक्स इशूज़ हैं, जैसे किसी को बीपी का या हार्ट इशू है किसी को, तो उसको एनहांस बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए ताकि वो अपना बॉडी बिल्डिंग में अपना वो जेनेटिक इश्यूज़ का क्या है ना कि जब आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करोगे आपको आपकी जेनेटिक्स में क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है, आपके किडनी में कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है या हार्ट में है या किसी और डिजीज़ कैंसर को लेके है, कैंसर भी काफ़ी होता है अब बॉडी बिल्डिंग में, खास करके बाहर जहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का यूज़ अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है, और उधर के लोग थोड़ा कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो आपको जेनेटिक्स पता कैसे चलेगा कि आपके जेनेटिक्स में डिस्टर्बेंसेज हैं? तो अब अगर देखा जाए तो जेनेटिक जो स्टडिंग है, जेनेटिक कोडिंग है, वो भी अवेलेबल है। तो इन केस आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने के पहले अगर आप अपने जीन्स कोड करना चाहते हो कि जीन कोडिंग करा के आप चेक कर लो कि किस चीज़ के लिए आपका प्रीडिस्पोजिशन ज़्यादा है जेनेटिकली, कौन सा ऑर्गन ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन सी बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये चेक हो सकता है। तो ये चेक करने के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, और किसी एनालाइज़ मैं भी कर सकता हूँ एनालाइज़। तो उसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे मैंने प्रोटीन वाले में ही बताया ना कि या तो कम कर लो या तो बंद कर दो, कम कर लोगे तो अच्छा होगा, बंद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उस तरीके से एडवाइस किया जा सकता है, सीइंग की जेनेटिक कोडिंग में क्या रिजल्ट्स आए हैं तो उसको देखते हुए बताया जा सकता है कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, फिर सामने वाले का डिसीजन है तो क्या करता है, ठीक है। इन केस आप जेनेटिक कोडिंग नहीं करा पाते तो उसके बाद इसीलिए यहाँ पे ब्लड टेस्ट और बॉडी स्कैंस और इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता चलता रहेगा कि किस चीज़ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ब्लड प्रेशर है, आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट, ब्लड प्रेशर का इशू तो जनरल पॉपुलेशन में भी है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डर्स को ब्लड प्रेशर हो रहा है,
बॉडी बिल्डर से तो बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर तो जनरल पॉपुलेशन में है ना, अलग अलग एज में आजकल तो नए लड़कों को भी होने लगा है। तो जैसे मान लेते हैं कि ब्लड प्रेशर का भी इशू है आपका जेनेटिक्स, और मान लो कि आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने वाले हो और आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है रेस्टिंग पोजीशन में वो 130 140 150 बाई 80 बाई 90 बाई 100 तक है, तो ऑलरेडी आप हाई ब्लड प्रेशर पे हो ना। तो पहले तो आप उसको कंट्रोल करो। आप कैसे कंट्रोल करोगे डिपेंड्स कि आप क्या करना, मतलब क्या क्या उसमें प्रिकॉशंस या सपोर्ट करना चाहते हो ब्लड प्रेशर को अपने नॉर्मल रहने के लिए। तो एक बार वो नॉर्मल हो गया फिर आप बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, ये एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, स्टार्ट करते हो तो फिर आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है, तो शूट करके कहाँ तक जाता है, फिर उसको नॉर्मल लाना है, वो कंट्रोल हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है उसको चेक करना ज़रूरी है। अब ब्लड प्रेशर के इशू से क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है, HSCRP वगैरह हाई हो सकती है, किडनी फंक्शन डिटोरिएट हो सकता है। तो ये विद टाइम आपको सारे टेस्ट और स्कैन्स करते रहोगे आप तो आपको पता चलता रहेगा। जैसे मान लो आपको जेनेटिक्स पता नहीं है अपने, तो आप रेगुलर जो है एडवांस टेस्टिंग जो है ब्लड टेस्टिंग और स्कैन्स कराते रहोगे तो क्या चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में वो पता चलता रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आप मॉड्यूलेट करते रहोगे। तो यहाँ पे अगर जेनेटिक्स नहीं भी पता है तो भी आपके पास अगर अच्छी गाइडेंस है तो ये सारी चीज़ें अवॉइड हो सकती हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है ना, जैसे मान लो कि आप एक अच्छे ठीक ठाक लेवल तक पहुँच गए बॉडी बिल्डिंग में और आपने बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आपको उसके लेवल के ऊपर जाना है, तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा कॉम्पिटिशन उतना टफ होता जाएगा। जैसे मान लो आप एमेच्योर हो, एमेच्योर से प्रो बन गए, ठीक है, और प्रो बन गए तो प्रो के बाद तो कॉम्पिटिशन और टफ हो गया ना। प्रो शोज़ में मान लो आप प्रो शो जीत के ओलंपिया चले गए तो कॉम्पिटिशन और 5 गुना बढ़ गया। तो आप सब कुछ इग्नोर करते हुए नहीं जा सकते। जैसे मान लो कि एक लेवल तक आए और इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो गई, चलो प्रो शो में 3rd, 4th, 5th आ गए, तब तक उतने प्रेप करने में और बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई, तो वहाँ से तो आपको बॉडी सिम्टम दे देगी, आप हॉस्पिटल जाओगे, आपको डॉक्टर बोल देगा ये है, आप वहाँ से पीछे हटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करियर भी बहुत आगे नहीं जा सकता अगर आप इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हो। और छोड़ो करियर तो गया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब जान पे बात आती है ना, ऑर्गन फेलियर पे या किसी चीज़ पे बात आती है, तो फिर उसको मतलब अगले को ना पैसा रुपया करियर नहीं दिखता है, फिर होता है कि बस जान बच जाए कैसे भी। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आप खुद भी जीना चाहते हो और दूसरा आपकी फैमिली भी आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। प्रदीप प्रकाश ने आपको बताया कि हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या नहीं लेने चाहिए, और मैं आगे आने वाले यूथ के लिए ये भी बोलना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ बहुत मोर इम्पॉर्टेंट, और आप अपने आप को भी एजुकेट कीजिए ताकि आप सामने वाले को जज कर सकें और अच्छी गाइडेंस ले सकें। सो गाइज, हम इस वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं, और हमारा जो मोटिव था यही है सबको एजुकेशन देना, और इस और हम आगे भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बहुत सारी लाते रहेंगे आपके लिए, ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।